अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज की बेहतरीन सुबह का करते हैं आगाज़। जो मेरे पाकिस्तानी भाई इस मुल्क से बाहर मेहनत कर रहे हैं, सबको मेरा सलाम। और जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी, जो चीज़ें हैं सब कर दिया करें और वीडियो लाजमी देखा करें। और आज बहुत ही सर्दी है, मुँह से धुआं भी निकल रहा है। और आज के दिन का करते हैं आगाज़। माशाल्लाह सुबह हो चुकी है और वहाँ आग जल रही है और लोग आग पर बैठे हैं। सर्दी काफ़ी है और धुंध भी है थोड़ी थोड़ी सी। आज काफ़ी ठंड है इसलिए लोग आग पर बैठे हैं, मैं भी आग के साथ यहाँ खड़ा हूँ। और सर्दियाँ तकरीबन शुरू हो चुकी हैं जो सख्त होती है। और धुंध भी है थोड़ी थोड़ी सी। और ये देखें सर्दी में भी काम कर रहे हैं। सब काम पर लग चुके हैं और भराई वाले भी आ चुके हैं और भराई कर रहे हैं। दिसंबर का मौसम बहुत ठंडा होता है, लोग जा रहे हैं सर्दी में। तकरीबन 9:30 बजने वाले हैं और घर पहुंच चुके हैं और नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर मिलते हैं व्लॉग में। नाश्ता करने के बाद आ चुके हैं तालाब हुसैन के पास और यहाँ ईंटें गिनती करनी है। ईंटें गिनती करने के बाद जाएंगे होटल पर। आओ डॉक्टर फाऊ भी आ रहे हैं दुकान पर। ड्यूटी पे जा रहे हैं सुबह सुबह। आज का मरीज भी ज़्यादा आते हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं। तकरीबन 11 बज चुके हैं और अजहर खान जा रहे हैं और सर्दी भी बहुत है। अभी होटल पर नहीं जाते और दुकानें भी खुल चुकी हैं। सब आग जलाए हुए हैं क्योंकि सर्दी बहुत है आज। स्कूल को भी छुट्टियां हैं। अब आ चुके हैं होटल पर और गाने सुन रहे हैं और अभी नाश्ता अपना कर रहा है। तकरीबन 12 बजे नाश्ता कर रहा है। तकरीबन 2:40 हो चुके हैं और दिन का पता भी नहीं है। आज फिर घर पहुंच चुके हैं और दोपहर का खाना खाते हैं और दोपहर भी पता नहीं लगती कहाँ दोपहर कहाँ शाम। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं व्लॉग में। खाना खाने के बाद बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर सब बैठे हैं हिसाब किताब के लिए। हाँ बस मजदूर का हिसाब बना, बस मैं अभी हिसाब बनाता हूँ। खाना खाने के बाद बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर सब बैठे हैं हिसाब किताब के लिए। हाँ बस मजदूर का हिसाब बना, बस मैं अभी हिसाब बनाता हूँ। अब जा रहे हैं बस्ती चाय पीने फिर से। बाबर जा रहे हैं। पता नहीं लिखी पई है। यहाँ से फिर चाय पीते हैं और ये देखें ये ड्रामा देख रहे हैं। और तक मेरे गमों का सबब मेरे बाबा है, वो अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल देते हैं। मुजाहिद भाई के पास आ चुके हैं और यहाँ पर देसी फार्मी सब कुछ मिलता है। ये देखें देसी है और नीचे फार्मी है और साफ सुथरा गोश्त होता है। इस इलाके में सबसे साफ सुथरा गोश्त मुजाहिद भाई का होता है और किसी का भी नहीं होता। यहीं से वो देखें जिसने लेना है असील मुर्ग है माशाल्लाह। घर पहुंच चुके हैं और मगरबी तकरीबन होने वाले। अब सबसे लेते हैं इजाज़त। आप जहां रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखा करें, दूसरों का भी ख्याल रखा करें। अब हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।